घर होने के बावजूद बाहर रह रहे गांव चांब के एक बुजुर्ग दंपत्ति की मदद करने के लिए बुधवार को डिप्टी कमिश्नर चंद्र गेंद खुद उनके घर पहुंच गए। यहां ना सिर्फ उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति की घर वापसी करवाई बल्कि मौके पर मौजूद डीएसपी राजविंदर सिंह, एसएचओ बच्चन सिंह को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उन्हें घर से कोई बाहर ना निकाले। इस दौरान भावुक हुई बुजुर्ग महेंद्र कौर को डिप्टी कमिश्नर ने गले से लगा लिया और कहा, माँ तो क्या हुआ अगर तुम्हारा बेटा नहीं, आज से मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, आपको कोई भी परेशानी आए तो सीधा मुझे बताइए। डिप्टी कमिश्नर ने बुजुर्ग दंपति से संबंधित कमरों पर ताला लगवाकर चाबियां भी उनके सुपुर्द की। बुजुर्ग दंपति सलविंदर सिंह और महेंद्र कौर ने डिप्टी कमिश्नर के पास सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट के तहत मदद की गुहार लगाई थी। दंपति ने कहा कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। मगर काल बंदे लेके मेरे पुत्र डोरी आते, मेरी मम्मी का रे, मेरी पहने, मेरी मम्मी ने पुत्र मार दे, मेरे पुत्र जो हो गया हो गया, प्यार ना रहो यार, तू जी काम से चीज सारा कोई मडावा था मैं थोड़ा कमरे दुवाना है। और बहू के साथ उनका घरेलू विवाद चल रहा है, उन्हें अपने घर से नहीं रहने दिया जा रहा और ना ही जमीन पर खेती करने दी जाती है। डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट ने बुजुर्ग दंपति के हक में फैसला सुनाते हुए जमीन और घर का कब्जा उन्हें दिलाने का आदेश सुनाया, जिसे बहू ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अस्थायी तौर पर राहत देते हुए बहू को दो कमरे देने का आदेश दिया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू करवा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चंद्र गेंद ने बताया कि बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर दोबारा उनके समक्ष पेश हुई और बताया कि अपना घर होने के बावजूद वे रिश्तेदारों के पास भटक रहे हैं। महेंद्र कौर ने कहा कि उन्हें घर में रहने नहीं दिया जा रहा, साथ ही उनकी जमीन पर भी उन्हें खेती भी नहीं करने दी जा रही, वे अपने घर में रहना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर दोनों बुजुर्गों को उनके घर वापस भेजने के लिए खुद गाँव चांब पहुँच गए। यहाँ हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक दो कमरे बहू के छोड़कर बाकी का घर कब्जा बुजुर्गों को दिलाया गया। उन्होंने बुजुर्गों से कहा कि वह बेफिक्र होकर अपने घर में रहें और अगर कोई उन्हें तंग परेशान करता है तो मक्खु थाने के प्रभारी बच्चन सिंह को सुनिश्चित करें। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चन सिंह को मौके पर ही निर्देश दे दिए कि बुजुर्ग संपत्ति की तरफ से भी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि घर के पीछे स्थिति उनकी जमीन पर बुजुर्ग दंपत्ति खेती बाड़ी कर सके और उनकी जमीन पर कोई कब्जा न करे। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। ਝਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80-85 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 2007 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 8-8-2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 26-8-2019। ਇਹਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਡੀ ਔਰ ਕਪਲ ਬੜਾ ਓਲਡ ਹੈਗਾ 85 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।